तो भाई मैं आप लोगों का दोस्त और होस्ट तेजस स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का WWE 2K23 की एक और मजेदार वीडियो में। और आज के होने वाले हमारे इस मैच में ना टीम ओमिनी मैन फेस करेगी भाई टीम ट्राइबल रेंक्स को। और आज ट्राइबल रेंक्स का साथ देने के लिए उनके दो ऐसे दोस्त आए हुए हैं ना जो कि सामने वाले टीम की चड्डी गीली करने का दम रखते हैं। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं अपना मैच और देखते हैं कि क्या आज टीम ओमिनी मैन टीम ट्राइबल रेंक्स को हराती है या फिर टीम ट्राइबल रेंक्स टीम ओमिनी मैन की चड्डी गीली करती है। भाई चलो स्टार्ट करेंगे दोस्तों हम लोग अपना मैच। वैसे दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है भाई आज टीम ट्राइबल रेंक्स टीम ओमिनी मैन की चड्डी गीली कर पाएगी? मुझे तो मुश्किल लगता है, लेकिन भाई टीम ट्राइबल रेंक्स में भी दो ऐसे सुपरस्टार मैंने लिए हुए हैं ना जो कि बस सामने वाली टीम को बुरी तरीके से डोमिनेट करके हराने वाली है, हरा सकती है, मतलब हराने वाली तो नहीं है, हरा सकती है। चलो भाई बुचर ब्रॉक आ चुके हैं ना दोस्तों, ये मेरा नया मॉड है भाई, इस मॉड को मैंने अभी अभी बनाया है बुचर ब्रॉक। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके मुझे बताना। पहला F5 और एक ही F5 में ओमिनी मैन को एलिमिनेट कर दिया है बुचर ब्रॉक ने। भाई ये कसाई ब्रॉक लेसनर छोड़ेंगे नहीं किसी को भी, मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था ना इंट्रो में कि भाई ये दोनों ऐसे सुपरस्टार है ना जो सामने वाली टीम की चड्डी गीली करने का दम रखते हैं, और एक ही F5 में बुचर ब्रॉक ने ओमिनी मैन को एलिमिनेट कर दिया है। तो अब अगला F5 अगर पड़ गया ना गोकू को तो गोकू भी एलिमिनेट हो सकता है, थ्रैग मरेगा, थ्रैग भी गया भाई, थ्रैग भी गया, मुझे लग रहा है थ्रैग को भी F5 पड़ेगा। F5 भाई थ्रैग तो सर्वाइव कर गए, मुझे लग थ्रैग सर्वाइव कर गए क्योंकि थ्रैग ओमिनी मैन से 10 गुना ज्यादा खतरनाक है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा देर सर्वाइव कर पाएंगे भाई। चलो भाई ट्राइबल रेंक्स को टैग दे दिया ना, ट्राइबल रेंक्स के पास भी दो दो फिनिशर हैं, और थ्रैग को इस मैच में बने रहना है तो फिनिशर को रिवर्स करना पड़ेगा। जितने ज्यादा फिनिशर को रिवर्स करेंगे ना उतना ज्यादा मैच में बने रहने की संभावना बढ़ेगी इनकी। नेक ब्रेकर पे मारेंगे, नेक मारा है भाई, साइक्लोमैन को टैग दे दिया ट्राइबल रेंक्स ने, साइक्लोमैन भी छोड़ेंगे नहीं, फिनिशर लगा के रहेंगे। अब ये क्या था साइक्लोमैन, ये क्या कर रहे हो यार, थ्रैक तो नीचे थे, फिनिशर लगाएंगे, थ्रैक फिनिशर रिवर्स कर दिया, थ्रैक का फिनिशर, स्टनर लगा रहे थे, नहीं 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 भाई दोनों के मूव्स रिवर्स हुए, दोनों के मूव, फिनिशर लगा दिया थ्रैक को। अब साइक्लोमैन भी एक ही बार में एलिमिनेट हो गया, फिनिशर तो लगाया नहीं ना अभी तक, साइक्लोमैन भी एलिमिनेट, ओमिनी मैन भी एलिमिनेट। अरे भाई यानी कि दोनों के दोनों मेंबर अब टीम से मात्र दो दो मेंबर ही बचे हुए हैं। अच्छा बुचर ब्रॉक के पास फिनिशर नहीं है, गोकू के पास फिनिशर है, बुचर ब्रॉक फिनिशर छीनना होगा इसका, गोकू का फिनिशर छीनना होगा बुचर ब्रॉक। तुमने भाई तुम्हारा और ट्राइबल रेंज का डेब्यू मैच है भाई, इस मैच को हारना नहीं है ठीक है। आपने गोकू ब्लू के पास दो दो फिनिशर है लेकिन लगाएंगे क्या टाइम पे, पावर बॉम्ब भाई, कैपेबिलिटी में गोकू और ब्रॉक दोनों के दोनों एक समान ही है, फिनिशर तो है नहीं लेकिन ना बुचर ब्रॉक के पास फिनिशर नहीं है, यही सबसे बड़ी बकचोद। ट्राइबल रेंज को टैग दे दिया ना, फिनिशर लगा सकते हैं, फिनिशर लगा दिया गोकू को भाई, नहीं नहीं गोकू अभी तो रिवर्स कर देंगे, कर देंगे, मुझे पता था गोकू रिवर्स कर देंगे, ये मुझे पता था। एक और फिनिशर है ट्राइबल रिंग्स का, फिनिशर है स्पेयर, गोकू को भी एलिमिनेट कर दिया भाई, गोकू को भी एलिमिनेट कर दिया, अब मात्र थ्रैक बचे हुए हैं। थ्रैक के पास फिनिशर तो नहीं है, सिग्नेचर आने वाला है, लेकिन सिग्नेचर लगा सकते हैं थ्रैक अपना, ये क्या कर रहे हैं थ्रैक, अच्छा 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 इतना बड़ा वाला बिल्डअप शॉट मार रहे थे क्या, मुझे लगा कोई और शॉट मार रहे हैं, लेकिन नहीं 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 सुपर किक रिवर्स कर दी रोमन ने। वैसे ही रोमन ने ट्राइबल रेंक्स है भाई, रोमन तो अलग है ना अपने, रोमन ये अरे यार ये करने की क्या जरूरत है, जब तक का मैच को जीत ना लो ना ये सब चीजें करने की आवश्यकता होती नहीं है, लेकिन ये माने तब। सिग्नेचर है, मुझे लग रहा है ये थ्रैक का फिनिशर है, सिग्नेचर लगा दिया, सिग्नेचर कनेक्ट कर दिया ट्राइबल रेंक्स को। फिलहाल अपने ट्राइबल रेंक्स के पास कोई सिग्नेचर वगैरह नहीं है तो मार खानी पड़ेगी, अभी तो थ्रैक की मार खानी पड़ेगी भाई, टैग देने जा रहे थे लेकिन जाने दिया नहीं, फिनिशर लगा देंगे, फिनिशर नहीं लगा रहे क्या थ्रैग, ये मौका अच्छा है भाई ट्राइबल रेंक्स को एलिमिनेट करने का, पर ये अड़े हैं, बेवकूफ हैं भाई थ्रैग, फिनिशर का इस्तेमाल नहीं किया पता है, और अपनी हेल्थ देखो कितनी कम बनाई हुई है। चलो बुचर ब्रॉक को टैग दे दिया ना, फिनिशर तो उनके पास भी नहीं है, लेकिन अपने थ्रैग के पास एक फिनिशर है, वो शायद बुचर ब्रॉक को फिनिशर लगा सकते हैं, लेकिन बचना बहुत टफ है बुचर ब्रॉक का फिनिशर से। फिनिशर थ्रैक फिनिशर लगा क्यों नहीं रहे, अरे ये क्या कर रहे थ्रैक बीच बीच में, ये क्या कर रहा है, अच्छा क्लोज लाइन मारी है भाई, मुझे लगा ये क्या है भाई, सिग्नेचर ले आए बुचर ब्रॉक अपने पास, फिनिशर ले आए हैं, सिग्नेचर ले आए मेरा मतलब है,
सिग्नेचर लगा दिया, सुप्लेक्स सिटी का सिग्नेचर भाई, पहला सुप्लेक्स सिटी। मुझे लग रहा है कि थ्रैक एलिमिनेट हो सकते हैं हाँ, क्योंकि शायद आई थिंक दो या दो फिनिशर तो पड़ चुके हैं ना थ्रैक को। फिनिशर भाई टीम ओमिनी मैन से थ्रैक बहुत अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन साइक्लो मैंने एक ही फिनिशर में एलिमिनेट हो गए, मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। वहीं ओमिनी मैन को भी देखो भाई कितने जल्दी एलिमिनेट हो गए, ओमिनी मैन भी ट्राइबल रिंग्स को टैग दे दिया ना। अभी मुझे लग रहा कि मैच ये लोग थोड़ा ज्यादा लंबा खींचने वाले हैं, क्योंकि जिनके पास फिनिशर था उनने तो टैग दे के ट्राइबल रिंग्स को अंदर बुला लिया ना यार। अभी जॉन सीना का मॉड भी मुझे बनाना है भाई, क्योंकि अपने पुराने वाले मॉड तो कल हार गए थे ना टीम ओमिनी मैन से। अच्छा कल की लाइव स्ट्रीम किस किसने नहीं देखी भाई, और जिसने भी कल की हुई लाइव स्ट्रीम नहीं देखी है ना, जिसमें कि भाई टीम ओमिनी मैन ने क्या ही डोमिनेट किया है भाई, तो मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लाइव स्ट्रीम की लिंक दे दूंगा, ठीक है, जहां पर जाकर अगर आप लोग चाहो तो उस लाइव स्ट्रीम को भी चेकआउट कर सकते हो, पर करना जरूर भाई चेकआउट, बहुत मजा आएगा आप लोगों को। जो भी ओमिनी मैन का फैन है ना भाई, उसको तो कल के मैच में मतलब कल की लाइव स्ट्रीम में बहुत ही मजा आया होगा, और जिसने नहीं देखी वो देख के मजा ले सकता है भाई, वो आपकी चॉइस है, ठीक है, मैं कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा आप लोगों से। अगर देखना चाहो तो देख सकते हो, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। फिलहाल मैच पे फोकस करते हैं। रोमन के पास सिग्नेचर है, लगा दिया गिलिटिन, थ्रैक को एलिमिनेट कर दिया भाई, थ्रैक को एलिमिनेट कर दिया भाई। आज तो टीम ट्राइबल रिंग्स ने टोटल डोमिनेंट दिखाई है, पहले बुचर ब्रॉक ने ओमिनी मैन को एलिमिनेट कर दिया। चलो भाई साइक्लो मेरी मतलब टीम विनिंग का ही हिस्सा है, ऐसी बात नहीं है भाई। तो चलो भाई हमारा जो आज का ये मैच है वो यहीं तक। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। तो भाई मैं मिलता हूँ आप लोगों से ऐसी एक और मजेदार वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखो, सुरक्षित रहो, हंसते खेलते रहो, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।